आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी कहानी की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, एक ऐसे संगीतज्ञ की आज हम बात करेंगे जो दुनिया में सबसे बड़े संगीतज्ञ के नाम से शुमार है। इन्होंने जो कॉम्पोजिशन लिखी हिला दिया दुनिया को दोस्तों। बड़े बड़े रूलर्स हिल गए इनकी कॉम्पोजिशन सुन के, लोग बेहोश हो जाते थे, औरतें रोने लगती थी, भगवान से सीधे जुड़ाव हो जाता दो दोस्तों, ऐसी इनकी कॉम्पोजिशन थी। लेकिन इनकी जिंदगी इतनी ज्यादा दर्दनाक रही है, विश्वास नहीं होता दोस्तों कि एक इंसान इतना ज्यादा दुखी होते हुए, इतना ज्यादा डिप्रेशन में होते हुए, लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी ऊंचाई पे कैसे पहुंच गया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, इसका पैशन। पैशन इंसान को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। और बीथोवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैशन था, म्यूजिक। म्यूजिक से उन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया दोस्तों। बहरे थे ये, सुन नहीं सकते थे, बहुत ही खराब अपीयरेंस था, लेकिन उसके बावजूद क्या कंपोज किया दोस्तों इन्होंने। नाइन्थ सिम्फनी तो जब आप सुनेंगे आप डूब जाएंगे, एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। तो आज हम बीथोवन की बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, आखिरी तक रहिएगा मेरे साथ। _reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों। एक चीज और, आप सवाल पूछते रहिए। एक्चुअली मेरी फेसबुक पे जो मेरी प्रोफाइल है उसमें बहुत टाइम पहले से लिमिट जो है फ्रेंड्स की, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की, वो समाप्त हो चुकी है। आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे सवाल दिखते नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे पूछ लीजिए, वहां पे मैं सारी क्वेरीज आंसर कर देता हूं। खुशखबरी, स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल ऐप पॉकेट न्यूज लॉन्च हो गया है दोस्तों। चलते फिरते पढ़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है, इंस्टॉल करिए और नॉलेज गेन करिए। बीथोवन की बात करें दोस्तों, लुडविक वैन बीथोवन, तो इनका जन्म 16 दिसंबर 1770 में हुआ इन द सिटी ऑफ बॉन, होली रोमन एम्पायर। उस समय पूरा यूरोप ही एक तरीके से, जो बाइजेंटीन एम्पायर है ना, वो सब कुछ रोमनी एम्पायर के अंदर आता था, ठीक है। हालांकि बाइजेंटीन एम्पायर तो 14th सेंचुरी में ही, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ने पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ होली रोमन एम्पायर के अंदर आता था, एक तरीके से पूरे यूरोप पे ही इनका दबदबा था। तो 1770 में, 16 दिसंबर 1770 में उनका जन्म हुआ था। और उस समय जन्म हुआ था दोस्तों जब बहुत सारे लोग क्रांति कर रहे थे। जी हाँ, अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन आने वाला है, नेपोलियन का उदय होने वाला है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट क्या थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आने वाला है, ये एनलाइटनमेंट का समय था। वोल्टायर हो गए, कांत हो गए, फ्रिडरिक नीश हो गए, ये सब आ रहे थे, अपने आइडियाज दे रहे थे, और पूरी सोसाइटी रिफॉर्म हो रही थी। कोई लिबर्टी का पार्ट पढ़ा रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स बता रहा है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहा है। तो पूरी दुनिया जो ये रिलीजियस एक तरीके से सर्कल था ना, लोगों को बांध के रखा था कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो भैया हमारे अधीन रहो, चर्च तुम पे रूल करेंगे। तो यहां से लोग ऊपर उठ रहे थे, लोग आ रहे थे, बड़े बड़े फिलोसफर आ रहे थे, और वो क्वेश्चन करना सिखा रहे थे कि इनको क्वेश्चन करो। तो ये उस समय का वक्त था, और बीथोवन भी इनमें से एक थे। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भी उसी पीरियड में जन्मे और इन्होंने भी बहुत कुछ किया, इन्होंने अपने म्यूजिक से लोगों को एनलाइटनमेंट दिया है ना। अच्छा, बीथोवन की बात करें, वैसे तो दोस्तों इनकी बर्थ डेट कोई सर्टेन नहीं है, ठीक है, कि 1770 में ही ये जन्मे थे। लेकिन अब होता क्या है कि इनका जो बैप्टाइज्ड, ये बैप्टाइज्ड 17 दिसंबर 1770 में हुए थे। अब उस समय ऐसा होता था कि जो बेटा, जो बच्चा पैदा होता था अगले दिन उसको बैप्टाइज्ड कर दिया जाता था, तो ये डेट लिखी गई है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि 16 दिसंबर 1770 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, इतनी खतरनाक खतरनाक चीज दोस्तों बचपन से ही होने लगी थी बीथोवन के साथ। वो खतरनाक चीजें क्या थी? बीथोवन जो थे वो किसके पोते थे? लुडविक वैन बीथोवन, उनका नाम भी, इनके दादाजी का नाम भी बीथोवन था, ठीक है, इनके पोते थे। ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ठीक है, और ये उस समय रॉयल कोर्ट में बजाते थे, ठीक है, जो उस समय एरिस्टोक्रेट्स का कोर्ट होता था ना, बड़े बड़े लोगों का कोर्ट होता था, वहां पे ये संगीत बजाते थे, और काफी जाना माना नाम था, ठीक है, इनके दादाजी का काफी ज्यादा नाम था। एक प्रॉस्पेरस म्यूजिकल फैमिली से आते थे बीथोवन, ठीक है, तो काफी ज्यादा पैसा कमाते थे और काफी ज्यादा नाम था
संगीत की दुनिया में, लेकिन उनका जो बेटा था योहान, ठीक है, उनका जो बेटा था वो इतना बड़ा म्यूजिशियन नहीं बना, ठीक है। देखिए योहान जो इनका बेटा था, इनके दादाजी का, बिथोवन के दादाजी कौन थे, फिर से बता रहा हूं, बिथोवन के दादाजी का नाम था लुडविक वैन बिथोवन, ठीक है, जो बिथोवन का नाम था सेम इनके दादाजी का नाम था, उनका बेटा कौन था, योहान। अब बिथोवन के दादाजी तो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को बहुत सिखाने की कोशिश की म्यूजिक, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज म्यूजिशियन बन के रह गए, बहुत बड़े म्यूजिशियन नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं उनको ये दर्द होगा। योहान के बेटे थे बिथोवन, जी हां, योहान ने शादी की थी मारिया मैग्डलिन, और इनके बेटे थे बिथोवन, जिनका 1770 में जन्म हुआ। दादाजी महान संगीतकार, लेकिन पिताजी महान नहीं। अब यहां पे टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है। योहान चाहते थे कि बिथोवन जो है वो बहुत बड़े संगीतज्ञ बने, इनके पिताजी चाहते थे। अब योहान संगीत तो नहीं सीख पाए, लेकिन उन्होंने एक और चीज सीख ली, शराब पीना, मारना पीटना, दिन भर शराब पीते रहते थे दोस्तों, और यहां से टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है। बिथोवन को बहुत मारते थे ये, इतना बेइंतहा मारते थे, उठा देते थे, रात में सो रहे होते थे बिथोवन, उनको उठा देते थे, शराब पी के घर आते थे, उठा देते थे, पियानो पे ले जाते थे, बोलते चलो म्यूजिक सीखो, एक भी नोट गलत होता था सीधे हाथ पे मारते थे, छड़ी बहुत तेज लगती थी, लात घूसे बहुत मारते थे, फिर दोबारा उठाते थे, बोलते फिर से म्यूजिक बचाओ, फिर से अगर एक नोट गलत होता था फिर मारना शुरू करते थे। बहुत ज्यादा मारा है दोस्तों बिथोवन को, बहुत टॉर्चर किया है बिथोवन। इनके पड़ोसी बताते हैं कि बिथोवन कोने में रोते थे, और आपको पता है बिथोवन की उम्र क्या थी, सिर्फ और सिर्फ 4-5 साल, समझ रहे ना, 3 साल से जो टॉर्चर शुरू हुआ है, लगातार 3-4 सालों तक इनके पिता ने बहुत मारा है बिथोवन को, इतना मारा है म्यूजिक नहीं सीखोगी, ये लोहे दे घूसा दे लात, बहुत मार खाए हैं, ठीक है, और बहुत रोते थे बिथोवन। अब हालांकि बिथोवन बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, ठीक है, इनके पिताजी चाहते थे कि बिथोवन बहुत महान बने, उस समय मोजार्ट का भैया बहुत नाम था, एक और म्यूजिक लेजेंड, उनकी भी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा, तो वो चाहते थे कि जो मेरा बेटा हो ना वो नेक्स्ट मोजार्ट हो। अब इनके पिताजी कभी भी इनको मोटिवेट नहीं करते थे, बल्कि डीमोटिवेट करते थे, ठीक है, इनको हमेशा गालियां देते थे, कुछ भी गलती करते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इतने खतरनाक टीचर थे, और पहले टीचर थे इनके पिताजी, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उसके बावजूद बिथोवन म्यूजिक सीखते रहे, और इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा म्यूजिक सीखे। बिथोवन थे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड थे, स्कूल गए थे बिथोवन, ठीक है, इन्होंने स्कूल भी, ऐसा नहीं है कि बिथोवन स्कूल नहीं गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बिथोवन थोड़े से अजीब टाइप के थे, ठीक है, ये मैंने देखा है कि जितने लोगों के बारे में मैं पढ़ता हूं, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड तो होते, लेकिन उनमें बहुत सारी कमियां भी होती हैं। बिथोवन को डिसलेक्सिया था, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ लक्षण थे डिसलेक्सिया के, ये पढ़ नहीं पाते थे, स्पेलिंग नहीं समझ पाते थे, मैथ्स नहीं समझ पाते थे, टीचर कुछ कहती थी इनको समझ में नहीं आता था, ठीक है, तो यहां पे बिथोवन ने बहुत जल्दी स्कूल छोड़ दिया और पूरे टाइम म्यूजिक सीखने लगे, लेकिन इनके पिताजी का कहर जारी है, पिताजी तो बहुत मार रहे हैं इनको, लेकिन फिर भी बिथोवन 7 साल की उम्र के थे बिथोवन जब इनका एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होता है, इनके पिताजी ने ही वो कॉन्सर्ट कराया था, और बिथोवन ने ऐसा म्यूजिक बचाया कि हर कोई एकदम मंत्र मुग्ध हो गया, सब बोलने लगे क्या जबरदस्त, कौन है ये भैया जो इतना गजब पियानो बजा रहा है और इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन उसके बावजूद बिथोवन को वो एक्सपोजर नहीं मिला। उस समय दोस्तों वियना कैपिटल थी, ठीक है, वियना जो थी वो कैपिटल थी, वियना कल्चरल कैपिटल थी, अगर हम देखें आज वियना की बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है, तो वियना सबसे इंपॉर्टेंट सिटी थी उस समय। अगर भैया आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो आप वियना चले जाइए, अगर आप वाकई बहुत टैलेंटेड हैं तो वियना चले जाइए, ये कल्चरल कैपिटल थी, जिसको कुछ भी करना होता था वो वियना चला जाता था, बड़ा ही सुंदर शहर था दोस्तों, आज भी बहुत सुंदर है। तो वियना भैया ये भी इनको भी जाना था, लेकिन पैसा नहीं था ना, इतने पैसे नहीं थे यहाँ पे बिथोवन के पास कि वियना जाके सीख पाए म्यूजिक। तो उसके बाद यहां पे एक एड निकाला गया पोस्टर में कि भैया बहुत टैलेंट है इस लड़के में, जितने भी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उस समय बॉन में, बड़े अमीर अमीर लोग हुआ करते थे, वो फंड करें बिथोवन के लिए, पैसे दे ताकि वो वियना जा सके। तो कुछ एकाध फैमिली आगे आई और उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, और उस पैसे से फिर बिथोवन वियना गए, 1786 में वियना गए, और भैया
बेथोवन ने उस समय सोचा था कि मैं मोजार्ट के साथ जाके पढ़ूंगा। मोजार्ट हमेशा से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहे थे बेथोवन के ऊपर, और इनको मौका भी मिला दोस्तों। बेथोवन सिर्फ और सिर्फ 16 साल के थे, ये वियना गए और उसके बाद एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया गया, यहां पे मोजार्ट भी आए थे। उस समय दोस्तों क्या हो रहा था, एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब बिथोवन 7 साल के थे और अपना कंसर्ट कर रहे थे और 12 साल में इन्होंने अपनी पहली कॉम्पोजिशन लिख दी थी, उसी समय मोजार्ट के बेटे भी, वो भी 6 साल के थे, ठीक है। अब देखिए, एक स्टार का बेटा तो स्टार का ही बेटा होता, भले ही आप कितने भी टैलेंटेड हो, तो वो भी उभर रहे थे, तो उनका बेटे भी बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बिथोवन ने सबको पीछे छोड़ दिया। जब 16 साल की उम्र में कोर्ट में इन्होंने एक कंसर्ट हुआ, वहां पे जब इन्होंने पियानो बजाया, मोजार्ट भी साथ में थे, मोजार्ट ने जब इनका पियानो सुना वो एकदम परेशान हो गए, इतने खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। तुरंत वो दूसरे रूम में गए, उनकी बीवी थी, बोला कि देखो देखो एक लड़का है वो कैसा बजा रहा है और ये बहुत नाम करने वाला है दुनिया में। और जब बिथोवन ने ये तारीफ के वर्ड अपने गुरु से सुने, मोजार्ट को उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, हालांकि बिथोवन के पहले गुरु तो उनके पिताजी थे भैया, जो कि बहुत मारते थे, बता ही चुका हूं। उसके बाद और भी गुरु, नीत, हेडन, इनके साथ भी बिथोवन काम करते थे, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा बिथोवन पे ध्यान देते थे क्योंकि बहुत टैलेंटेड थे बिथोवन। तो जब मोजार्ट के मुंह से ये शब्द सुने बिथोवन ने, वो तो बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन ये खुशी दोस्तों ज्यादा दिन तक रही नहीं। अपनी माता जी से ये बहुत प्यार करते थे, शायद ये एक ऐसी थी जिनसे बिथोवन बहुत ज्यादा क्लोज थे, हालांकि इनकी माता जी नहीं बचा पाती थी जब इनके पिताजी मारते थे, हंटर से मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, छड़ी से मार रहे हैं, इनकी माता जी नहीं इनको डिफेंड कर पाती थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी मदर से बहुत क्लोज थे, हर चीज में सपोर्ट करती थी इनकी माता जी। और इनकी माता जी का देहांत हो गया 1787 में, 1787 में, ठीक है। अब ये वापस आ गए सिर्फ और सिर्फ कितने साल के, 17 साल के, वापस आए, इन्होंने सारा क्रियाकर्म किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत दुखी हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनके पिताजी इतने ज्यादा दुखी हो गए अपनी, मतलब अपनी बीवी के डेथ से, कि वो और ज्यादा शराब पीने लगे, वो पूरा शराब में डूब गए, पूरी तरीके से सारे काम छोड़ दिए, और यहां पे 18 साल के बिथोवन हेड ऑफ दी फैमिली बन गए, ठीक है। आपको बता दूं बिथोवन के दो भाई और थे, ठीक है, यहां पे हेड ऑफ द फैमिली बन गए सिर्फ और सिर्फ 18 साल के थे, और उन्होंने बोला अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, क्योंकि उनके पिताजी बिल्कुल नाकारे और उनके भाई भी अभी छोटे पढ़ रहे हैं। तब बिथोवन ने बहुत काम करना शुरू किया, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट्स में इन्होंने बहुत सारे जगह पे इन्होंने कंसर्ट किया, और जो भी पैसा आता था वो फैमिली पे ये, मतलब फैमिली को देते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो प्रेशर था ना, ये इतना बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा था कि इनका भी मूड खराब होने लगा। पिता का जो बिहेवियर था, यू वोंट बिलीव कि पिता का जो बिहेवियर था वही बाद में बिथोवन का बिहेवियर हो गया। देखिए, इंसान को जिस तरीके से शुरू में पाला जाएगा, इंसान वैसा ही हो जाता है। बिथोवन को बहुत मारा जाता था और वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे असर करता था। दोस्तों, मैंने सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफी रिव्यू की थी, वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, मेरे साइकोलॉजी पे बहुत सारे लेक्चर हैं, आप देख लीजिएगा। तो उसमें उन्होंने बोला था, आपको याद होगा, कि इंसान जो भी एक्सपीरियंस करता अपने चाइल्डहुड में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, और एक ना एक टाइम पे वो चीज सामने आ ही जाती है, आपके नेचर में वो झलक ही जाएगी। तो जब इतना बचपन से, 3-4 साल के बच्चे को इतना मारेगा कोई, तो सोच लीजिए फिर उस पर क्या असर होगा। तो बिथोवन का मूड अब यहां से खराब होना शुरू हो गया। बिथोवन बहुत गुस्से में रहते थे, हमेशा उनका मूड खराब रहता था, गुस्सेहल हो गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं आया था। और इसी दौरान दोस्तों 1792 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, लेकिन क्योंकि बहुत नफरत करते थे बिथोवन अपने पिताजी से, उन्होंने उनका फ्यूनरल अटेंड ही नहीं किया, मरे तो मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोल दिया था सीधा बिथोवन ने, फ्यूनरल अटेंड नहीं किया। उस समय वियना में थे और वापस बॉन नहीं आए, ठीक है, बहुत ही जल्दी वियना में ही चले गए थे, करियर तो वियना में ही बनेगा ना, जैसे भैया आज का अगर आप देखें तो भारत में मुंबई है ना सपनों की नगरी, वैसे उस समय वियना होता था सपनों की नगरी, चले जाओ वियना, वहां पे सारे सपने साकार हो जाएंगे। वहां पे फिर उन्होंने काम करना शुरू किया दोस्तों, और फाइनली इन्होंने 1795 में अपना पब्लिक डेब्यू किया वियना में, और लोग पागल हो गए, लोगों ने तो ऐसा भयानक तरीके से यहां पे रिस्पॉन्स दिया बिथोवन को कि बहुत ही जल्द बिथोवन का पूरे शहर में नाम हो गया
ये एक ऐसा संगीतज्ञ है जब बजाता है तो कहर बरपा देता है, ठीक है ना दोस्तों। मैथ्स एंड म्यूजिक आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस ऑफ यूनिवर्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर कोई संगीत अच्छा बजाता है या कोई गाना अच्छा गाता है, अगर अगर आपने उसको सुन लिया तो कभी कभी ऐसा होता ना कि अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं, अपने आप ही आप उसको प्रेस करने लगते हैं, ऐसा होता है, हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी बिल्कुल अलाइन हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों म्यूजिक को इतना बड़ा और सालों सालों से इतना बड़ा माना जा रहा है। उसके बाद दोस्तों बिथोवन का सबसे बड़ा मोमेंट जब इन्होंने फर्स्ट सिंफनी, टोटल 9 सिंफनी जो है वो बिथोवन ने लिखी है, ठीक है, पब्लिश की है, और ये सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सुनिएगा दोस्तों। 9th सिंफनी सुनिएगा, वो तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, वो तो सुन के इंसान एकदम बेहोशी हो जाए, ऐसी है वो। तो फर्स्ट सिंफनी इन्होंने 1800 में पब्लिश की। वैसे बता दूं दोस्तों कि बिथोवन के जीवन को 3 में डिवाइड किया जाता है, एक यंग, एक मिडिल और एक लेटर, ठीक है, मतलब अर्ली मिडिल लेटर। अर्ली पीरियड की बात करें दोस्तों तो ये 1770 से लेकर 1802 तक है, ठीक है, जो इनके स्ट्रगल्स हो गया और जो इनकी शुरुआती अचीवमेंट हो गया उसको दर्शाता है। मिडिल पीरियड की बात करें दोस्तों तो 1802 से 1813 तक है, ठीक है, यही इसी मिडिल पीरियड में बिथोवन ने कमाल कर दिया था, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिजास्टर हो गई थी। और उसके बाद लेटर पीरियड जो कि 1813 से लेकर 1827 तक है, ठीक है, ये लास्ट पीरियड है इनका। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1800 में इन्होंने अपनी फर्स्ट सिंफनी और 1803 में इन्होंने सेकेंड सिंफनी पब्लिश की। लोग बेहोश हो रहे हैं, औरतें रोती जा रही हैं, पागल हो रहे हैं जब ये बजाते थे स्टेज पे, डूब जाते थे संगीत में। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई। ये भले ही 1802 से लेकर 1813 तक इनका पीरियड बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन यहां पे बिथोवन बहरे होने लगे। जी हाँ, 1798 में इनको टिनिटिस होने लगा, कान में हमेशा घंटी टाइप की सुनाई देने लगी, और बिथोवन को लगा कि मैं बहरा हो रहा हूं धीमे धीमे। कॉज हालांकि क्यों बहरे हो रहे नहीं पता चला ये, लेकिन धीमे धीमे इनकी जो सुनने की आवाज है ना वो बिल्कुल जाती गई, खत्म होती गई, खत्म होती गई। बिथोवन परेशान, एक संगीतज्ञ के लिए ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। कोई इंसान बहरा हो जाए, कोई संगीतज्ञ बहरा हो जाए तो म्यूजिक कहां से बजाएगा। तो बिथोवन ने सुनना ही बंद कर दिया धीमे धीमे, और इस चीज ने बिथोवन को और ज्यादा पागल बना दिया। बिथोवन और ज्यादा गुस्से में रहने लगे। कोई भी इनके पास फ्रेंड्स या रिलेटिव आते थे उनको बहुत चिल्लाते थे, गालियां देते थे, ठीक है, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, गुस्सा इतनी ज्यादा बिथोवन में हो गई थी। एक तो वैसे ही मेरा मूड सही नहीं है, ऊपर से और मैं बहरा हो रहा हूं, ठीक है। हालांकि इनके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, इनके फ्रेंड्स ने बहुत कोशिश की कि बिथोवन सही हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाए, और धीमे धीमे करके बिथोवन की सुनने की शक्ति पूरी चली गई, ये सुन ही नहीं पाते थे। और पूरी तरीके से 1814 आते आते 44 साल तक ये पूरी तरह बहरे हो चुके थे। तो बिथोवन बहरे हो गए, लेकिन बिथोवन नहीं चाहते थे उनका मजाक उड़ाया जाए। तो जब भी वो जाते थे पब्लिक में, वो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि मैं बहरा हुई ही नहीं, मैं सब कुछ सुन रहा हूं, और अजीबोगरीब हरकतें करते थे दोस्तों। लोग इन पे हंसने लगे थे। बिथोवन का अपीयरेंस भी दोस्तों एक तो बहुत अच्छा नहीं था, दिखते बहुत खराब थे दोस्तों। बिथोवन शॉर्ट हाइट थी दोस्तों, 5 फीट 4 इंच के ये थे। दूसरी बात, जो इनका चेहरा था वो बिल्कुल ही बहुत फेयर नहीं था, ठीक है, ऊपर से चिकन पॉक्स के पूरे मुंह पे दाग थे, कपड़े भी बिल्कुल ही बेकार पहनते थे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही खराब इनका जो अटायर था वो बहुत अच्छा नहीं था। जब देखिए वियना एक ऐसी जगह थी जहां पे रॉयल फैमिली ज्यादा रहती थी, ठीक है, और उनका भैया एक तरीके से दबदबा था, ठीक है, वो अपने अपनी शान से आगे किसी को नहीं समझते थे। तो बिथोवन भी पहले सबको यही बताते थे, भैया वैन इन्होंने इसीलिए लगाया था ताकि यार कोई ये समझे, अपने सरने में ल्यूडविक वैन बिथोवन लगाया था ना, तो वैन इसी ने लगाया था ताकि ये समझे कि मैं भी एक रॉयल फैमिली से हूं, ठीक है ना, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हूं, अपने आप को उच्च कोटि का दिखाना चाहते थे, लेकिन इनका अपीयरेंस कुछ और ही बात कहता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई दोस्तों, बहुत परेशान होने लगे, बहुत गुस्सा होने लगे, लेकिन इनके संगीत पे कोई असर नहीं पड़ा। 1802 से लेकर 1813 तक इनका सबसे बेहतरीन मूवमेंट था दोस्तों। यहाँ पे ढेर सारी सिम्फनीज इन्होंने पब्लिश की, बहुत सारी दोस्तों इन्होंने सिम्फनीज पब्लिश की, ठीक है, और इनको काफी ज्यादा नाम भी मिला। यहां पे इनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। इनके जो भाई थे कैस्पर, ठीक है, तो उनका बेटा था, ठीक है, इनके इनके भाई ने शादी की थी तो उनका बेटा था। तो जो इनका बेटा था और जो इनकी मतलब सिस्टर इन लॉ थी योहाना, ठीक है, अब ये चाहते थे
इनके भाई का बेटा इनके साथ रहे, क्योंकि 1815 में कैस्पर की डेथ हो गई, बिथोवन के भाई की डेथ हो गई, और बिथोवन ने अच्छा खासा खर्चा किया था कैस्पर के ऊपर, ठीक है। तो आप चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो बिथोवन के साथ रहे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि इनकी जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब कैस्पर कैस्पर की पत्नी है, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, बहुत लोगों से संबंध है, तो वो चाहते थे कि ये सही से पाल नहीं पाएगी, और मैं चाहता हूं कि मेरा भांजा मेरे साथ रहे, ठीक है। अब बिथोवन की, बिथोवन ने कभी शादी नहीं की थी, हालांकि बिथोवन के लव अफेयर बहुत ज्यादा थे, ठीक है। एक लड़की थी जोसफीन, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और बिथोवन को उन्होंने नकार दिया था कि आप रॉयल फैमिली से नहीं हो, ठीक है। और एक और लड़की थी दोस्तों, ब्रेंटन एंटोनियो कुछ करके नाम था उनका, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है कि बिथोवन के लव लेटर्स बहुत सारे मिले हैं, इमॉर्टल बिलवेट ऐसा बहुत जगह मिला हुआ है, ठीक है। तो 1812 हो गए और 1800 हो गए, उन्होंने बहुत सारे लव लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वो किसको लिखे हैं ये तो पता नहीं है। बहुत सारे इसमें कयास लगाए जाते हैं, एक ऐसा भी कयास लगाया जाता है कि बिथोवन के जो दोस्त थे उनकी पत्नी थी, ठीक है, वो बीमार थी और बिथोवन उनके साथ, मतलब जब वो बीमार थी बेड पे, बेड के बिल्कुल बगल में वो पियानो बजाते थे और बहुत ज्यादा वो खुश होती थी, तो दोनों में प्यार हुआ, लेकिन वो एक शादीशुदा औरत थी, तो बिथोवन उनको बहुत ज्यादा लेटर्स लिखते थे। अभी तक ये पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया कि एक्चुअली वो वुमेन थी कौन, क्योंकि नाम नहीं लिखा है बिथोवन ने। लव लाइफ बिथोवन की बिल्कुल ही बेकार थी, कोई भी औरत इनसे पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुई नहीं, तो ये अब बहुत अकेला फील करते थे। तो बिथोवन चाहते थे कि इनका भांजा इनके साथ रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि कस्टडी की बैटल शुरू हो गई और ये लीगल बैटल हो गई। 1813 से लेकर 1820 तक 7 सालों तक ये पूरी बैटल चली, और अल्टीमेटली इनके निफ्यू की, कार्ल्स इनके निफ्यू का नाम था, इनके भाजे का नाम, भांजे का नाम था, वो इनके साथ रहने आया। लेकिन इनके साथ रहने आया तो इनका मूड इतना खराब रहता था, इतना ज्यादा चिल्लाते थे कि वो भी बहुत परेशान हो गया कि भैया ये क्या हो रहा है, चाचा जी कर क्या रहे हैं मेरे साथ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये सारी चीजें हुई। इसी दौरान दोस्तों बिथोवन बहुत और ज्यादा वो उनका मूड खराब रहने लगा था। आपको बता दूं कि बिथोवन अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे, जब भी ये सड़क से जाते, एकदम पागल होता है ना, पागल हो गए थे ये, जब ये सड़क से जाते तो छोटे छोटे बच्चे जो है इनके ऊपर कंकड़ फेंकते थे, ऐसी अजीबोगरीब अपने आप से बात करते हुए जा रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हुए जा रहे हैं। जिस भी मकान में रहते थे इनको मकान मालिक बाहर फेंक देता था। एक्चुअली इस मकान का इस तरीके की हालत होती थी कि चारों तरफ कागज बिखरे हुए हैं, उसमें रिदम्स लिखी हुई है, चारों तरफ खाना इधर उधर बिखरा हुआ है, तो हर मकान मालिक इनको बाहर फेंक देता था। जो कपड़े पहनते थे ये बहुत ही रॉयल कपड़े पहनते थे, बहुत बढ़िया है, लेकिन वही कपड़े वो एक एक दो दो हफ्ते तक पहने रहते थे, इतनी गंदगी से रहते थे दोस्तों। लेकिन जो इनका माइंड था, ये सब तो बाहरी है, माइंड के अंदर सब कुछ बहुत ही शांत था, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सोच रहे थे दोस्तों। और इसी दौरान दोस्तों थर्ड से लेकर 8th सिंफनी इन्होंने पब्लिश कर दी। ये जब भी म्यूजिक बजाते थे लोग पागल हो जाते थे, तो म्यूजिक की अगर बात करें वो तो बहुत फ्लरिश हो रहा था, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ थी दोस्तों वो बहुत ही खराब जा रही थी। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 9th सिंफनी लिखी, और ये सबसे बेहतरीन आज तक की मानी जाती है दोस्तों। ये जो 9th सिंफनी थी जब ये परफॉर्म हुई, उसके बाद तो फिर कुछ कहने ही नहीं, मतलब फिर तो एक इतिहास सा रच दिया था। लेकिन उसी समय दोस्तों बेथोवन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी दोस्तों, बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। 1825 के बाद ये बिल्कुल बेड पे ही पड़ गए थे। बेथोवन बहुत लोगों को हीरो मानते थे, नेपोलियन उनमें से एक था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद दोस्तों आपको पता ही है, ठीक है, ये जो आपको पता, वैसे आपको बताना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, लेकिन ये जो 10 साल के पीरियड थे 1800 तक, ठीक है, 1790 से 1800 तक, तो ये बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब काफी ज्यादा फ्रांस में अनस्टेबिलिटी थी, तो वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था तो बाद में नेपोलियन डिक्टेटर बन गए थे। नेपोलियन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा। तो अब नेपोलियन डिक्टेटर बने, तो यहां पे डिक्टेटर इन द सेंस कि पहले तो नेपोलियन रूलर बने, ठीक है, तो यहां पे बिथोवन को लग रहा था कि नेपोलियन बहुत ही बढ़िया काम करेंगे, लेकिन बहुत ही जल्द नेपोलियन ने भी वॉर छेड़ दिए, उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, और नेपोलियन फिर फ्रांस के राजा बन गए, एम्परर बन गए। तो यहां पे बहुत ज्यादा दुख हुआ था बिथोवन को कि मेरा हीरो, जिसको मैं हीरो मानता था, वो एकदम से विलन बन गया, तो ये बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, ठीक है। तो 1825 के बाद दोस्तों हम यहां पे देखते हैं कि वो 10th सिंफनी लिख रहे थे, ठीक है, वो चाहते थे कि 10th सिंफनी तो बिल्कुल पब्लिश हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पे वो बेड पे पड़ गए
और 1827 में बहुत भयानक तूफान आया था दोस्तों, 26 मार्च को बहुत ही जबरदस्त तूफान आया था, और उसी में ही बिथोवन ने अपना हाथ ऊपर किया और यहां पे बिथोवन की डेथ हो गई, बिथोवन स्वर्ग से धार गए। अब ऐसा बोला जाता है कि इनका लिवर डैमेज हो गया था, बहुत ज्यादा शराब पीते थे दोस्तों, नशा करेंगे तो यही होगा, तो लिवर डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से जब इनकी ऑटोप्सी हुई थी, जब इनका पोस्टमार्टम हुआ था, इसी वजह से इनका देहांत हो गया 26 मार्च 1827। सिर्फ और सिर्फ 56 साल के थे, 20,000 लोगों ने इनके फ्यूनरल को अटेंड किया था, बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों 20,000। बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे, म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बिथोवन का नाम बहुत बड़ा था। एक चीज और बताना चाहता हूं, जब इस समय तक बिथोवन पूरे बहरे हो चुके थे, जब इन्होंने 9th सिंफनी परफॉर्म की तो लोगों ने लगातार आधे घंटे तक वो तालियां बजाते रहे, तो बिथोवन सुन तो सकते नहीं थे, तो वो परफॉर्म ही किए जा रहे थे, तो उनको ऐसे मतलब दिखाना पड़ता था, ठीक है, ऐसे मोड़ना पड़ता था कि देखिए आपकी सिंफनी का क्या रिस्पॉन्स है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, क्योंकि एक इतना बड़ा लेजेंडरी सिंगर जो अपने ही अप्लॉज को, अपनी ही तारीफ को सुन नहीं पाया। लेकिन दोस्तों जो बिथोवन ने किया वो कमाल किया, आज भी इनके म्यूजिक को बेस बनाया जाता है, और जितने भी आजकल आप म्यूजिक देखते ना हॉलीवुड के, ओ भैया बिथोवन सीधा यहीं से ही बेस बना के वो म्यूजिक को कंपोज किया जाता है, तो इतिहास तो इन्होंने रच दिया। तो ये बिथोवन पे लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत टाइम से कह रहे थे सर इन पे लेक्चर लाइए, ले आया, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।